हाय गाइस, वेलकम टू सीएमवी 360। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है अतुल का एनर्जी और एक और प्रोडक्ट इनका मोबिली। अब ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो है तो एक ही प्रोडक्ट, बट एक को जो है वो कमर्शियल में कार्गो सेगमेंट में जो है वो हिट किया है। दूसरे तरफ अगर मैं मोबिली की बात करूँ तो वो आपको एज कैब यानी कि एक इंसान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में ज़्यादा सक्षम है। इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में आज ज़्यादा जानेंगे। और एनर्जी में ऐसा क्या है कि आपको ये खरीदना चाहिए अपने नए बिजनेस के लिए, अपने लॉजिस्टिक्स के लिए, अपने कार्गो के लिए, आज हम जानेंगे। तो जस्ट इन केस यू नीड टू चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब गाइस। गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी की हम टेक्स स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो एनर्जी का जो पेलोड कैपेसिटी है वो 500 kg का है और सर्टिफाइड रेंज जो है वो 195 है इसमें क्लेम कर रहा है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आर की है। चार्जिंग टाइम ये 0 to 80% चार्ज होने में 4 घंटे लेता है और इसके साथ आता है एक पोर्टेबल चार्जर जो कि 3 kW का है। अब दोस्तों बैटरी पैक के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिथियम आयन है और एक 13.2 kW की जो है बैटरी पैक अवेलेबल है। आप 6.6 kW की भी ले सकते हैं, वो ऑब्वियस उसके अंदर जो है वो रेंज थोड़ी कम हो जाएगी। इस प्रोडक्ट की ग्राउंड क्लियरेंस 215 mm है व्हील बेस, जबकि 2.1 m का रखा गया है। रनिंग रेडियस आपको 3.5 m का मिलता है एंड 18% की ग्रेडेबिलिटी। दोस्तों ओवरऑल लेंथ 3.3 m है एंड ओवरऑल विड्थ 1.5 m, साथ ही हाइट जो है वो 1.7 m की यहाँ पर रखी गई है। इस प्रोडक्ट का ग्रॉस व्हीकल वेट है 995 kg, यानी कि ऑलमोस्ट 1 ton का ये जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर रखा गया है। 4.5x10 का जो है वो टायर साइज आपको यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों टेक्स स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मोटर जो है वो सिंक्रोनस मोटर है जो 9.9 kW की पावर प्रोड्यूस करती है, 44 Nm का टॉर्क। फ्रंट एंड रियर में जो ब्रेक सिस्टम है वो हाइड्रोलिक यूज़ किए गए हैं। फ्रंट में एंटी ड्राइव लीडिंग लिंक एंड रियर में ट्रेलिंग आर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है। आप टेक्स स्पेसिफिकेशन के बाद सीधा आपको ले चलते हैं इसके वॉक अराउंड पे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्टर बेस जो है वो हैलोजन, आपको यहाँ पे एक हेडलाइट यूनिट मिलेगी जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ में आती है। ब्लैकआउट किया गया है इसका ये पार्ट और ये जो है वो प्लास्टिक का पार्ट यहाँ रखा गया है। हालांकि ऊपर जो है वो ज़रूर आपको वाइट कलर का जो है वो बॉडी पार्ट रखा गया है, ऊपर विंडशील्ड एंड कुछ इस तरीके के आपको ORVM यहाँ पर ऑफर किए गए हैं जिनको आप दोनों तरफ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। नीचे बड़ा सा मडगार्ड ऑफर किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पर और यहाँ देखते हैं, ये काफ़ी अतुल के पुराने प्रोडक्ट जैसा ही यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अतुल के इलेक्ट्रिक की जगह अगर आप IC देखें यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाला देखें तो वहाँ पर क्लच आता है, तो क्लच के लिए ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो देखा गया है, छोड़ा गया है। और यहाँ पर कोई मीटर नहीं है, आपको मीटर जो है या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो यहाँ मिलेगा जो कि डिजिटल पार्ट पर ही रखा गया है। एक स्टोरेज स्पेस आपको इधर और इधर वाइपर के सेट और यहाँ पर जो है हैजार्ड लैंप प्लस रेगुलर लैंप भी ऑफर किए गए हैं। ब्रेक लीवर इधर है एंड दिस वन इज फॉर हैंड ब्रेक, तो अगर आप चाहें उसको डाउन कर सकते हैं एंड देयर यू गो विद द हैंड ब्रेक। अगेन अगर मैं यहाँ पे पोस्चर की बारे में बात करूँ तो पीछे बैकरेस्ट इनको मिलता है, अंडर थाई मिलता है और हेडरूम इज नाइस इनफ, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसका लोडिंग कैपेसिटी देखते हैं। सो अगर इसके डेक के बारे में बात करें तो ये 6 ft लंबा है और 5 ft जो है वो चौड़ा है, तकरीबन 1.5 ft की इसकी जो है वो हाइट है एंड पेलोड कैपेसिटी इसकी तकरीबन 500 kg की है दोस्तों। तो वो सारा काम जो आप चाहते हैं अपने शॉप को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना या अगर आप चाहते हैं कि अपना शॉप का जो है वो सामान इसके अंदर आ जाए या कार्गो का अगर आपका काम है तो ये एक बेहतर सॉल्यूशन वहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है। आपको रियर से दिखाता हूँ, ये देखिए इसके टेल लाइट्स जो कि एक्चुअली आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट एंड यहाँ पर जो है वो मेन ब्रेक लाइट के साथ में आएगा, अतुल एंड एनर्जी यहाँ पर मेंशन्ड है। सो दोस्तों ये है मोबिली फॉर यू और यहाँ पर जो है वो आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से चेकआउट कराता हूँ कि ये कैसे है। ये देखिए देर इज़ अ लॉक अनलॉक सिस्टम हेयर, ये मुझे थोड़ा इनोवेटिव लगा ज़रूर। और यहाँ अगर मैं बैठूँगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप यहाँ पर जो है वो अंडर थाई सपोर्ट एंड रिक्लाइन एंगल दोनों ही आपके यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, तो 3 लोग बहुत ही ईजिली जो है वो यहाँ पर बैठ पाएंगे। तो वो लोग जिनको जो है वो रेगुलर यूज़ करना है, उनको ख़रीदना है एक्चुअली ये, क्योंकि ये कमर्शलाइज ही किए जाते हैं, ज़्यादातर येलो नंबर प्लेट पे आते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होते हैं। आपको अपने पैसेंजर्स को लोड करके जाना है तो उनके लिए एक कम्फर्टेबल ज़रूर यहाँ पर जो है वो सूट करने वाला है, ये काफ़ी सूट करने वाला है। तो चलिए
हालांकि इसके टेक स्पेक्स थोड़े से डिफरेंट है, उनको भी मैं बता देता हूँ। तो जो मोबिली की पेलोड कैपेसिटी है वो 350 है, इसकी सर्टिफाइड रेंज 110 किलोमीटर की है और ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करता है। ये भी 0-20 चार्ज होने में 4 घंटे लगाता है और इसके अंदर पोर्टेबल चार्जर भी अवेलेबल है जो कि 1.5 किलोवाट का है। लिथियम आयन बेस्ड बैटरी है जो कि 6.6 किलोवाट आवर की बैटरी पैक यहाँ पर अवेलेबल है। मोटर फिगर्स, पावर फिगर्स एंड टॉर्क फिगर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे ही आपने अतुल एनर्जी में यहाँ पर देखे। सो दिस इज अतुल एनर्जी एंड मोबिली फॉर यू जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हिट कर रहे हैं। दोस्तों हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए एपिसोड के साथ में। आपको क्या करना है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, डिफॉल्ट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।